हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 3 समान पिंड ए बी व सी एक स्थिर घर्षणहीन घिरनी से होकर जाने वाली डोरी से बंधे हैं। पिंड बी तथा सी को जोड़ने वाली डोरी में तनाव होगा, हमें तनाव निकालना है। अब देखिए, सारे पिंडों का द्रव्यमान कितना है? 2 kg है, तो सी का भार नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 2 × g हो जाएगा, और बी का भार भी नीचे की तरफ होगा 2 × g, और ए का भार नीचे की तरफ होगा 2 × g। अब देखिए, अगर हम घिरनी को देखें तो इस तरफ नीचे की तरफ कितना भार है? कुल 4 g, और इस तरफ नीचे की तरफ कुल भार है 2 g। तो पूरे निकाय के लिए देखें तो नियत बल इस डोरी पे कितना लगेगा? 4 g माइनस 2 g, तो नियत बल कितना हो गया आपका? 2 g हो गया। ठीक है, नियत बल निकल आया। अब अगर हम पूरे निकाय का त्वरण निकालें तो हमें पता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार नियत बल बराबर कितना होता है? पूरे निकाय का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो नियत बल है 2 × g का मान कितना ले सकते हैं हम? 10। बराबर पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 × a। तो a का मान हो गया आपका 20/6, या 2 से अगर काट दें तो a का मान हो गया 10/3 m/s², यही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम सी पिंड का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो इस पे नीचे की तरफ कितना भार लगेगा? 2 g, और सी बी तथा सी को जोड़ने वाली अगर डोरी में तनाव हम टी माने, ठीक है, और पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ए त्वरण से नीचे आ रहा है जहाँ पे ए का मान कितना है? 10/3। तो सी पिंड के लिए हम क्या देख सकते हैं? सी पिंड पर न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार सी पिंड के लिए एफ नेट बराबर क्या होगा? सी का द्रव्यमान गुणा त्वरण। नीचे की तरफ जा रहा है 2 × g का मान कितना है? 10, माइनस ऊपर की तरफ हमने माना, क्या लग रहा है? तनाव टी बराबर किसके होगा? द्रव्यमान कितना है? 2 × त्वरण है आपका 10/3। तो यहां से हम अगर देखें आगे का, हम यहां लिख सकते हैं 20 - t बराबर है 20/3। तो t का मान आ गया 20 - 20/3, या फिर तनाव t कितना आ गया? 40/3। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।